पहले हम लोगों ने यह तय किया था कि हम में से कुछ वहां के कुछ टीचर तो दर्शन को पढ़े हैं, शिविर किए हैं, अधिकतर टीचर नहीं किए हैं। तो हम अब उनसे शुरू करते हैं कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य, जो मानवतापूर्ण आचरण का पहला लेयर है, उसको ये लोग कैसे सोचते हैं, पहले उनको सुनते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये रखा कि छोटे बच्चे को कब समझ में आता है कि ये मेरा स्वधन है, ये मेरा नहीं, किस आयु में। जैसे बच्चा दूसरे के पेंसिल रबर को अपने जेब में रख के घर ले चला जाता है, वो किस आयु में समझ में आता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, और क्यों समझ में आता है, उसका लॉजिक क्या है, आधार क्या है। तो टीचर लोगों से 3-4 सेशन हुए, उन लोगों ने चर्चा किया और उन्होंने फाइनल कोई निष्कर्ष लिया, और वो बढ़िया रखा हुआ है। आज आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे, है ना। विद्यालय जो हम लोग जाएंगे उसमें हम लोग कोई भी जाने को नहीं सोच रहे, केवल जो लोग विद्यालय में रोज रहते हैं वही लोग रहें। जैसे मृदु दीदी विद्यालय को देखती हैं, निविता बहन देखती हैं, तो ये लोग फुल टाइम नहीं, मतलब जाते हैं, कभी जरूरत होता तो फुल टाइम भी रहते हैं, सप्ताह सप्ताह भर फुल टाइम भी रहते हैं, लेकिन एकदम 365 x 6 आवर नहीं है इनका। लेकिन सीता बहन वैसे ही है ना, रोज जाती हैं 6 घंटा। तो सीता बहन रहेंगी मानवतित के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और पूरे टीचर रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया से दिखे, हमारा इनपुट कम रहे, है ना। शुद्ध विद्यालय कैसा है वो आपको देखने को मिले। एक तो इसलिए हम लोग कोई भी नहीं जाना चाह रहे हैं, है ना, बढ़िया एक कारण तो ये रहेगा। और इस पर आप लोग पूछेंगे तो बताएंगे स्वधन को उन्होंने कैसे पहचाना, क्या पहचाना। दूसरा, स्वनारी स्वपुरुष वाले की भी बात हुई थी, शायद एक ही लेक्चर, एक ही गोष्ठी हुई थी, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर हम उसको बंद करना पड़ा। वैसे दयापूर्ण कार्य पर डिस्कशन कराएंगे उनको, जिनको जिनमें से मेजोरिटी उन लोगों की है जिन्होंने मध्य दर्शन को नहीं पढ़ा है। हम अब नीचे से जाएंगे ऊपर, कि उसमें बहुत सारा डिस्कशन होगा, ये क्यों नहीं, ये क्यों, ये क्यों, वो सब आने दीजिए। जनरली जब हम क्लासरूम में पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा वो चीज बंद हो जाता है, हम 3 लाइन को पढ़ लेते हैं, उसके डेप्थ में भी नहीं जाते। आखिर पता होना चाहिए ना, मैं ये जो काम कर रहा हूं ये क्या है, स्वधन है कि स्वधन नहीं है, या स्वनारी है कि स्वपुरुष है कि नहीं है। तो वो वाले जगह पर हम वो चर्चा करने के लिए उसको, उस फोरम को सोचें। और फाइनली सोच रहे हैं कि 9th से बच्चों को जो हम दर्शन का भाग देना चाह रहे हैं, उसमें मुख्य भाग ये वाला रहेगा, आचरण वाला। क्योंकि जैसे ही हम फिजिक्स बोलने जाएंगे तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, जैसे इकोनॉमिक्स बोलने जाएंगे बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, जो एजुकेशन का लोड है बेचारों से वैसे ही नहीं समझ में आ रहा है, अब फिर बोल देंगे ये गलत है, तो उनका तो पूरा ही बंटा ढार हो गया, है ना। तो ये वाला भाग नहीं बोल रहे हैं हम 6 से 8 तक मुख्य रूप से पूरकता बता रहे हैं। जैसे एक बच्चा, जब जैसे मान लो भारत का नक्शा है, ये कितने लोगों ने बनाया और कितने साल में बना, तो इसका इतिहास 2000 साल का मिलेगा। और कितने लोगों ने बनाया, मेरे ख्याल से 2 अरब लोगों ने बनाया है, कई जनरेशन में उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सारे इम्प्रूवमेंट शिक्षा में एक जगह आके रखते हैं, और इम्प्रूवमेंट लिखा रहता है कि ऐसा इस कारण ऐसा किया गया, इस कारण इसमें और सुधार किया गया, ऐसा शिक्षा परंपरा इस चीज को नोटिस करती कि पहले ये था, फिर उसमें ये प्रॉब्लम आए, फिर उसमें ये दिया गया, ये परंपरा में रिकॉर्डेड है। तो भारत का नक्शा 2 अरब लोगों ने, 2 अरब भी कम संख्या होगी, है ना, इतने लोगों ने बनाया, तो हम भारत का नक्शा पढ़ रहे हैं। तो हमको कृतज्ञ किन के प्रति होना चाहिए, हम अपने आप मानव परंपरा के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। तो ऐसा करके हमने 5 चैप्टर बनाए। एक, हम खाने के टेबल में बैठे हैं, खाना रखा हुआ है, उसमें कितने लोगों की भागीदारी है। प्लेट है वो स्टील का है, स्टील कहाँ से बना, तो माइनिंग हुई है, केवल लोहे की माइनिंग हुई है क्या, नहीं, उसमें 5 और चीजें हैं तो स्टील बना है। तो उसको एक बार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जी आई तो सब्जी कौन लगाया, बीज कौन तैयार किया, है ना, उसका पैकिंग मटेरियल कौन बनाया, तो इतना थोड़ा उसमें थोड़ा डिटेल है, बाकी टीचर की योग्यता के लिए छोड़ा हुआ है। तो ऐसे 5 चीजों को बनाया, उत्पादन के लिए, विनिमय के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए और
स्वास्थ्य संयम के लिए पांच चैप्टर बना दिए 5 साल में, 6th में एक, 7th में एक, 8th में एक, 9th में एक, 10th में ऐसे बनाया। तो ऐसा करके 6 से 10 की पुस्तकों को बनाया है चेतना विकास का। उसमें अनीशा बहन बैठी हुई हैं, वो भी उसमें भागीदारी की हैं, और इनके पति अनुराग भाई उन्होंने किया है, मृदु और अंकित दोनों ने किया है, और मैंने किया है। तो ऐसा करके हम लोगों ने उसको तैयार किया है। तो मुख्य रूप से हम ऐसी पूरकता को अभी बताना चाह रहे हैं, दर्शन के वो जो कंसेप्ट हैं जो इनको हिला देंगे, उनकी पढ़ाई को ही बिगाड़ देंगे, उनको अभी नहीं बता रहे बच्चों, है ना। तो बहुत मोटा मोटा भाग आपको ये हो जाए कि विद्यालय को किस दृष्टि में देखें। मेरे हिसाब से 6 से इतना ज़्यादा सिलेबस है कि बच्चे उसको नहीं पढ़ सकते, 90% बच्चे उसको पढ़ ही नहीं सकते। याद रखना तो छोड़ दीजिए, तो 6 से बड़ा मुश्किल है। और एक हम लोगों ने बढ़िया काम किया है, जैसे क्लास 1 में कुछ पढ़ा तो टीचर लोगों ने बैठकर खुद उसको एनालाइज किया कि कितनी भाग इसमें ऐसा है जो आजीवन हमको काम आएगा, उसमें से कितना भाग है जो 12th बोर्ड में काम आएगा, कितना भाग वो है जो 10th बोर्ड में, 3 भागों में बांट लिया और उसको एक जगह जमा कर लिया, और उसको हम क्लास 2 में पढ़ाएंगे। तो क्लास 2 वाला सप्ताह में एक पीरियड पढ़ेगा क्विज के नाम से, और उसमें पूरा जिस्ट रहेगा क्लास 1 का। वैसे ही क्लास 3 वाला क्विज पढ़ेगा, उसमें 1 और 2 दोनों रहेंगे। क्लास 8 वाला 1 to 7 का जिस्ट पढ़ लेगा, मतलब क्लास 1 को वो 8 बार पढ़ लिया है, क्लास 2 को 7 बार पढ़ लिया है, क्लास 3 को 6 बार पढ़ लिया है। तो जब वो जाएगा तो कम से कम 2-4% तो कैरी फॉरवर्ड होगा, अभी तो कुछ नहीं होता है ना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होता। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं एक बार 6 to 10 को पढ़ा पूरा कि मुझे कितना पकड़ में आया है। फिर जब बाबा जी के पास आया तो 92 में 2 प्रिंसिपल के साथ बाबा जी ने मुझे बैठा दिया, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, शिक्षा के मानवीकरण के लिए तुम बैठो। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग के विचारधारा में कितना अंतर है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्चा समझ सकता है। प्रिंसिपल रिटायर हो गए, वो बच्चे को इतना कम मान के चले हैं कि क्या बताते। तो उनके साथ मैं 92 से शिक्षा के मानवीकरण, कुछ तो उस समय समझ में आता नहीं था, लेकिन शिक्षा को देखने समझने की कोशिश किया। तो उस समय एक बार और पढ़ा कि पूरी शिक्षा है क्या चीज, 6 to 8 उसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ा, 9, 10 नहीं पढ़ा। फिर जब हम लोग अछोटी में एक कार्यक्रम शुरू किए, 6 to 8 जब वहां लिखने की बात थी, तो फिर से एक बार शुरू किया कि सब लोग एक बार पढ़ो 6 to 8 जो है उसमें कितनी चीजें खराब लिखी हुई है, गलत है, कितनी चीजें गलत नहीं है सही है, सही ढंग से हो सकता है नहीं लिखा हो, और कितनी चीजें ऐसी है जो हमको और देना चाहिए। ऐसा 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन करवाए थे। तो एक ने भी नहीं बोला कि इसमें कोई चीज खराब है 6 to 8 में। पता है ना कि हम ऐसे कपड़े पहने ऐसा कहीं लिखा नहीं है, धोती कुर्ता पहनना गंदा है गलत है कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बच्चे के अंदर जो आ रहा है वो एकदम यही आ रहा है। अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, अंग्रेजी नहीं बोलना घटिया है, ये आ रही है। कोई नहीं बोल, कहीं एक लाइन नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ी बोलना घटिया काम है, नहीं बोला, लेकिन आता यही है ना। तो जो एक चुपचाप एक मैसेज जाता है उसको भी पकड़ने की जरूरत है कि क्या है। तो हम जो शिक्षा का मानवीकरण कर रहे हैं उसमें लिखेंगे तो कुछ, लेकिन चुपचाप एक मैसेज जाएगा उसको भी हम सोच रहे हैं कि क्या मैसेज जाएगा, चुपचाप बिना लिखे, है ना, वो हम उसका मुख्य कंटेंट बना रहे हैं कि देख के लगेगा कि कुछ नहीं ये तो वैसे ही है, लेकिन अंदर अंदर वो चीज चली जाएगी, है ना। अब हम लोग तो भ्रमित हैं तो भ्रमित ही ढंग से सोचते हैं, चालाकी तरीके से इसको डालें, है ना, भाषा में नहीं डालें या भाषा में जहां जो लिमिट है उसको पहचानें, लेकिन अंदर से हमको वही डालना है मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण को येन केन प्रकार हमको डालना है बस,
अब इसको आप दुष्टता बोलिए, समझदारी बोलिए, जिद बोलिए, उसको करने का हम सोच रहे हैं, है ना। तो ये हम सोच रहे हैं कर पाएंगे ये पता नहीं है, है ना। ज्यादातर संभावना है कि हम नहीं कर पाएंगे। इसमें ना भी यही प्रॉब्लम आती है, जैसे एक कॉमन सी बात है, दक्षिण वाली भी चीज नहीं है, सिंपल बात है जो हर कोई समझ सकता है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है और वाइजली यूज करना है। लेकिन बच्चा पढ़ रहा है किताब में और आंसर भी लिखाता है, मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो सामने उसके टीचर्स है, पेरेंट्स है, वो तो वैसा कोई भी करते हुए नहीं दिखते, तो वो उसको लाइफ में ला ही नहीं सकता है। जैसे वाइज यूज हम बोल देते हैं भाई, मिनिमम चीजों में हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, बट अब दिल्ली में तो कहना जैसे टीचर्स की सैलरी भी अच्छी हो गई है, और खासकर जो फीमेल टीचर्स हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनके हस्बैंड्स और अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आप उनको देखो ऐसा भी कॉम्पिटिशन रहता है कि हमने पूरे महीने कोई कपड़ा रिपीट नहीं किया है, ज्वेलरी जो है, पर्स जो है, फुटवेयर जो है, वो ड्रेस के साथ मैचिंग है, नेल पेंट मैचिंग है, तो बच्चा तो वही देख रहा है ना, तो वो वाइज यूज कैसे करेगा, करेगा ही नहीं, वो उस टीचर की बात क्यों सुनेगा। तो आचरण में आना ही होगा, तभी बच्चा सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख सकता। अच्छा, पेरेंट्स भी घर में जब वाइज यूज के लिए बोलते हैं ना कि भी नल बंद करना है, वो किस बात से रिलेट करते हैं, मैंने भी किया है बहुत बार कि बिल आए, बिल आए, तो वो बेसिक खराब है ना, और वो करके ऐसे ही, मैंने खुद अपने घर में देखा है, जैसे जब तक वहाँ मीटर का इतना सिस्टम नहीं था शादी के बाद, तो सारे कमरों में लाइट वाइट सब जलती रहती थी, कोई ध्यान नहीं देता था। अच्छा, मैं थोड़ा शहर की साइड से गई थी, तो मुझे हमें अच्छी मुझसे आदत थी, क्योंकि वो भी आदत थी बिल की वजह से थी, मैं सारे कमरों के लाइट पंखे बंद करती रहती थी, तो कई बार ना मम्मी को बुरा भी लग जाता था कि मतलब मैं निकली और मैंने नहीं किया, इसने उठ के कर दिया, तो मतलब वो भी उन्हें ऑफेंसिव लगता था कि मतलब ये क्या मतलब दिखा रही है कि मतलब हम ध्यान नहीं रखते और ये बहुत समझदार है। तो बहुत चीज़ों में ये किताबों से नहीं सीख सकता बच्चा। मेरे को दो घटना याद आ रही स्कूल की, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो ये मैं पहले बेंच में बैठता हूँ और ये दरवाज़ा होता है, तो दरवाज़ा जनरली दिखता है, और मैं खेल में भी बढ़िया था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता था, और पढ़ाई में तो अच्छा था ही। तो एक बार कई लड़के होते थे जो दरवाजे पे खड़े रहते थे, नाइन्थ की बात है, तो जब नाइन्थ में आए तो नाइन्थ में पूरे टीचर नए होते हैं हमारे उस समय, कोई आर्ट्स वाले भी होते हैं, कोई होते हैं, उसके पहले पता रहता है आठवीं तक। तो जब नाइन्थ में गए तो बहुत सारे लड़के वहाँ दरवाजे में खड़े होते, तो एक बार मन होया कि मैं खड़े होके देखूँ, मैं दरवाजे में खड़ा हुआ, तो एक टीचर थे जिनको मैं तो जानता था, टीचर तो सबको, टीचर को तो सारे बच्चे जानते हैं, कम होते हैं, अब वो शायद मेरे को पहचानते थे, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने मेरे को देख के ये बोला कि तुमको भी दरवाजे की हवा लग गई। मेरे को उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आया कि शायद मैं कोई ठीक नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये भी समझ में आया कि मैं कुछ ठीक करता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, तो मैं चला गया अंदर, लेकिन मेरे मन में बैठा रहा। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि वो उन्होंने क्या बोला, लड़के वहां खड़े होकर लड़कियों को देखते थे, है ना। मेरे को वो सेंस ही नहीं था, लेकिन उस वो मैं मुझे ये लगा कि कोई खराब चीज है, तो कोई मैसेज है जो मुझे अंदर डाल दिया। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि ये गलत कर रहा। वैसे जो आपने साड़ी वाला बोला, तो मुझे एक बार अचानक याद आया कपड़े वाला, कॉलेज में पता चला कि एक लड़के ने बोला कि किसी मैडम के बारे में वो 45 दिन तक रोज अलग अलग कपड़े पहन के आए, मतलब स्टूडेंट टीचर के कपड़े देखते रहते हैं ये, और वो गिन रहा है वो 45 वैरायटी। मेरी आज भी खोपड़ी में इतनी जगह नहीं है कि मैं 45 वैरायटी के कपड़े को पहचान पाऊं, मेरा नहीं है इतना बड़ा चित्रण। हमारे स्कूल में कॉरिडोर में जो गंध है उससे हम बोल देते थे यहाँ से कौन से एक टीचर गई है। चार गंध तो अभी तक मुझे याद। देखिए, और मतलब नाइन्थ, मैं 79 की बात कर रहा हूँ, मैं नाइन्थ में हूँ। हमारे एक हिंदी के टीचर थे, वो अपने आप को बहुत विद्वान बताते थे और हमको सारे शब्दों के अर्थ पता है बोलते थे, तो बच्चे लोग हम लोग घर में जाकर डिक्शनरी से शब्द निकालते थे और उनको पूछते थे, वो बता देते थे, है ना। कुछ लड़कों ने नए शब्द बनाए और उनसे पूछा और उनको उन्होंने बता भी दिया कई चीजों का, कई चीजों ने बोला कि ये तो शब्द नहीं है,
कई चीज़ों में उन्होंने बोला भी, फिर उसको उन्होंने गलत साबित किया बच्चों ने। तो 79 में क्लास नाइन्थ के बच्चे टीचर की परीक्षा लेते हैं, उनको एक जगह खड़ा करके रखते हैं। उस समय की बात है, आज तो सोचो दुनिया तो आगे बढ़ गई है ना। तो शिक्षा कितना चैलेंजिंग जगह है, जहां नाइन्थ के बच्चों के सामने आप बिल्कुल पारदर्शी, उनकी आंखों के सामने आप खड़े हैं, उनको सब दिख रहा है ना। इसीलिए नाइन्थ से टीचर का सम्मान खत्म है, क्योंकि वो सारी चीजों को देख ले रहा है, आपके आपके सारे एक्टिविटी को पहचान रहा है। वहां व्यक्तित्व चाहिए, वहां बिना व्यक्तित्व के बड़ा मुश्किल है कि आप शिक्षा दे दो। केवल अब लिटरेचर और भाषा और तर्क अब नहीं काम आता है। तो ये एक बड़ी मतलब है, सोचने की चीज है कि हम कहां आ गए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार ये रिपीट करिए, आपने बताया था दर्शन लास्ट साजिश, इसके बाद लास्ट में टेक्निकल बीच में। ये तो मेरा अनुमान है, ये अच्छा ग्रेडिंग है, जनरल ग्रेडिंग नहीं है लाइफ की, बढ़िया ने ऐसे ग्रेड किया। मतलब मेरा ऐसा सोचना है, ये कोई मेरे हिसाब से दर्शन में सबसे ज्यादा चीजों को कवर करके भाषा बनाया जाता है, तो दर्शन सबसे ऊपर है, फिर लॉ है, उसके बाद साहित्य है क्योंकि उसमें भाव है ना, और उसके बाद फिर समाजशास्त्र इकोनॉमिक्स वैसी चीज़ें हैं, और सबसे नीचे टेक्निकल भाषा है, मतलब उससे थोड़ा ऊपर बिजनेस भाषा है, उससे ऊपर इकोनॉमिक्स है, फिर उसके ऊपर समाजशास्त्र है, ये क्रम है। ऊपर सबसे नीचे में मैंने टेक्निकल भाषा को ही पाया, जिसमें आपको कोई ग्रामर की मर्यादा की जरूरत नहीं है। हम उसमें एक मनुष्य को एक वैल्यू देते हैं, मनुष्य में भी कोई बोलते हैं आया, कोई बोलता है आए, हम कितना ध्यान रखते हैं, आया है और आई आए हैं, हम उसको प्लूरल बना रहे हैं। बहुवचन में सम्मान देने के लिए जो भारतीय भाषाओं में परंपरा है, वो सम्मान देने के लिए उसको प्लूरल बोलते हैं, मैं जा रहा हूं नहीं, हम जा रहे हैं। क्यों? राजा अकेला नहीं चलता है, राजा के साथ पूरा काफिला चलता है, तो राजा मैं जा रहा हूं बोलना बनता नहीं है, हम आ रहे हैं, मतलब हमारे मेरे साथ 15-20-50 का झुंड आ रहा है। तो वहां पर वो भाषा है हम, तो महाराज आए हैं, महाराज अकेला चलता ही नहीं है, है ना, उनके साथ 20 लोग आते हैं तो आए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी अकेले चलेंगे ही नहीं, गुरुजी के साथ 10 लोग आएंगे। तो ये बोला जाता है कि वो अकेला होता ही नहीं है, वो सहअस्तित्व है वो एक बड़ी चीज है, एक बड़ा झुंड है उनके साथ। तो उस ढंग से भाषा की रचना हुई है, लेकिन टेक्निकल लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं। ये भी तो है ना कि टेक्निकल जो भाषा है उसका कोई यूनिवर्सलाइजेशन भी तो नहीं है ना। टेक्निकली मतलब जो पर्टिकुलर उसी फील्ड में काम कर रहा है उसी के लिए उसका एक वो है और उसी को वो समझनी है। दूसरी भाषा का आदमी को वो शब्द ही ऐसे है कि हमारे अभी तक समझ में पूरी तरह नहीं है, जिनको इस साइंस के अंदर पता नहीं कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते हैं, डॉक्टर जो समरी रिपोर्ट बनाता है उसको पढ़िए, समझ में नहीं आता कि जानवर का बनाया है कि आदमी का बनाया है कि पत्थर का बनाया है। समरी जो बनाता है उसको पढ़ के बड़ा वैसे ही लगता है कि क्या है ये, उसको अच्छी भाषा बोलते हैं। तत्परता और उत्साह, तो जागृति जागृति क्रम विकास क्रम में सक्रियता को तत्परता बोल रहे हैं। उत्पादन क्रिया कलाप में लगनशीलता को भी तत्परता बोल रहे हैं। मानवीयता मानवीय आहार विहार मानवीय व्यवहार आचरण में निष्ठा। चौथा व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज उदय की ओर परावर्तन क्रिया। इतने चीजों को तत्परता कह रहे हैं। इसका मतलब इन चीजों के लिए जीवन में वृत्ति के स्तर पर स्वीकृति हुई और उसके लिए जो तर्क बन रहा है उसको कह रहे हैं साहस। उसके लिए तर्क नहीं बना माने साहस नहीं हुआ। यदि इसको उल्टा करके देखेंगे तो जागृति क्यों जरूरी है, उसके लिए तर्क ही नहीं बना मतलब साहस नहीं हुआ, है ना। जागृति क्रम के प्रति विश्वास नहीं हुआ,
उसके लिए तर्क नहीं बना, माने साहस नहीं हुआ। वैसे उत्पादन क्रियाकलाप के लिए तर्क नहीं बना, मतलब साहस नहीं हुआ, माने तत्परता नहीं हुई यदि तर्क नहीं बना तो। वैसे ही मानवीय व्यवहार आचरण में निष्ठा क्यों चाहिए और क्या क्या चीज है, कब करना है। वृत्ति में देखिए कब कैसे कब, जो वृत्ति में जो निर्णय है, जो विश्लेषण के साथ, विश्लेषण की जो परिभाषा है, कालवादी क्रियावादी निर्णयवादी। विश्लेषण कालवादी क्रियावादी और निर्णयवादी। मैंने कब करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर में करना है, आज करना है, एक साल के बाद करना है, 10 साल के बाद करना है, ये चीजें तय होना पड़ेगा बार बार। क्रियावादी कैसे करना है, ये पूरी प्रक्रिया, जैसे चाय बनना है तो पहले बर्तन में पानी डाला जाएगा, उसके बाद उसको आग में चढ़ाया जाएगा, उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे, उसका एक क्रम है ना। पहले हम आग जलाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर बर्तन रखेंगे तो नहीं बनेगा, है ना। पहले बर्तन रखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो चाय कितना भी कर लीजिए नहीं बनेगा, है ना, वो बुझ जाएगा आग। तो जो कैसे है उसका एक क्रम है, ये क्रिया पहले है, ये क्रिया बाद में है, ये क्रियाएं साथ साथ हो सकती है, ये क्रियाएं अंत में होगी, ये जो क्रम है इसको तय करना विश्लेषण है। और कालवादी कब करना है, और निर्णयवादी करना है कि नहीं करना है, हाँ या नहीं। यदि नहीं मिला तो फिर से एक बार कब और कैसे वाला आ जाएगा, हाँ है तो फिर वो मन में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो चयन हो जाएगा। यदि हाँ नहीं बन पाएगा तो मन में ये चीजें ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो उत्थान के लिए साहस जो कह रहे हैं, जो वृत्ति में जो अपन परावर्तन क्रिया देख रहे हैं, जो तत्परता के साथ जो उत्साह है, उत्साह का मतलब है वो तर्क बनना अपने अंदर, कि इन चीजों को करने के लिए तर्क बन गया। कब करना है बना, वो बन गया, करना है बना पहले तो, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है। जैसे मैं 10 साल के बाद करूंगा तो वहां तर्क एक अलग प्रकार से बनता है, आज करना है, किस जगह पे करना है उसको भी पहचानना पड़ेगा, नहीं तो तर्क ही नहीं बनेगा। मैं यहां नहीं करूंगा भाई, मैं अपने घर में करूंगा, तो यहां मेरा कार्यक्रम यहां वाला सोचना पड़ेगा, यहां क्या करूंगा। तो इसको कह रहे हैं उत्साह। तर्क नहीं बना माने उत्साह नहीं बना, माने ये वृत्ति के स्तर पर गड़बड़ी है। तर्क क्यों नहीं बना, इसका मतलब ऊपर वाले के बारे में स्वीकृति नहीं हुई, क्योंकि वृत्ति में यदि आ गया स्थिति में तो गति में तर्क बनेगा ही बनेगा। गति का काम क्या है, स्थिति में जो है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहां बनेगा, बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके बारे में निर्णय होगा। तो ऊपर में आया है कि नहीं, उसका क्या टेस्ट है, उसमें हमारा तर्क बना कि नहीं बना। तो जागृत मानव का सारा तर्क बना रहता है और उसके बाद वो मन से ट्रांसफर होता है। विकास क्रम में सक्रियता, तो विकास क्रम का क्या है? मानव के लिए जागृति क्रम और विकास क्रम जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए प्राणावस्था में कोई चीज चल रही है तो वो विकास क्रम का एक छोटा पार्ट है, हम उसमें पूरक होते हैं। क्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे सिंपल है, प्राणावस्था के साथ हम कुछ काम क्यों करते हैं, क्योंकि प्राणावस्था पर विश्वास होता है, उस विकास क्रम पर विश्वास होता है। जीवावस्था के साथ क्यों करते हैं, उसके साथ विश्वास होता है, नहीं तो विश्वास नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लो, आप देखिए यहां पर हम गाय को रखे थे, सामने वाला जो दिख रहा है शेड, उसमें गाय रहती थी, सारे बच्चे सुबह से वहीं रहते थे, एक एक बच्चे को एक एक गाय की एक एक हरकत पता थी, सब बच्चों का नाम बच्चों ने रखा है, यहां के सारे बच्चे यहां पर बच्चे गाय के बच्चों का नाम रखे, और वो भी इस अक्षर से रखना, इस अक्षर से रखना करके। तो इनको पहचानने से इनके साथ हमको पूरकता भी समझ में आती है, दूसरा ये जो विकास क्रम में ये कहां पर हैं वो चीज
पता हो जाता है। तो पदार्थावस्था के साथ थोड़ा सा निर्वाह, प्राणावस्था के साथ थोड़ा सा निर्वाह, जीवावस्था के साथ थोड़ा सा निर्वाह और ज्ञानावस्था के साथ निर्वाह, इन सबको करने से हमको विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के बारे में हमको डेटा आते हैं, हमको खुद ऑब्जर्वेशन करके डेटा लेना पड़ता है। हम पुस्तक में क्या कर रहे हैं, पुस्तक में प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारा है ही नहीं। जो हम साइंस की कोई पुस्तक उठाए, ऑब्जर्वेशन कौन किया, कोई साइंटिस्ट ने किया, हम नहीं किए। हम हाइड्रोलिक्स पढ़ते थे, उसमें लिखा रहता है कि कहां, जैसे एक नहर में, एक कैनाल में जैसे पानी बह रहा है, तो पानी की स्पीड सबसे अधिक कहां होगी, उससे कम कहां होगी, उससे कम कहां होगी, यह एक ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन है, यह हाइड्रोलिक्स। अब हम जब पढ़ते हैं हमको पता ही नहीं है पानी कहां तेज है कहां है, पहला तो गड़बड़ी है। तो एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, पानी सबसे तेज कहां पर होता है? तो मैंने बाबा जी को बहुत सारी पूछा चीज पूछ के देखा कि उनको ऑब्जर्वेशन कैसा है। तो उनको पता है कि पानी जो है नहर के एकदम बीचों बीच टॉप में सबसे तेज है, और एकदम किनारे में जहां हम उतरते हैं वहां लगभग जीरो है। तो यहां जीरो है और यहां मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे कम होता है, जीरो होता है। ऊपर के लेयर को ऐसे देखेंगे, जब नहर को देखेंगे ऐसे, लेकिन एकदम तली में देखेंगे उसको जीरो मानते हैं। तो तली से ऊपर जीरो हो रहा है, यहां से तली में जीरो से मैक्सिमम, यहां जीरो से मैक्सिमम, ऐसा करके ये एक फॉरवर्ड, ये एक चित्र बनाते हैं। उसके बाद वो गति का पूरा एक कैलकुलेशन, हाइड्रोलिक्स ही है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है एक भी स्टूडेंट के पास नहीं रहता है जो उसको पढ़ता है। लोग कभी नहर में उतरे ही नहीं हैं, उसको क्या ऑब्जर्वेशन है, कभी नहीं होता है, वो हाइड्रोलिक्स बिल्कुल नहीं समझता है। हम देखें उसको, हम लोग नहाना सीखे, तैरना सीखे, तो ये पता चला तैरना सीखने के लिए सबसे सरल जगह है नहर, पानी का जहां फ्लो है, आपको केवल उतर जाना है, पानी धकेलेगा, फिर पानी स्टेडी पानी में नहाना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये हमको खुद लेना पड़ता है, नहीं तो विश्वास नहीं होता है। बार बार क्यों बोल रहे हैं जीने की जरूरत है, जीने की जरूरत है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हमारी ओर से आना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके साथ हमारे अंदर कोई चीज आएगी। तो इसको अपन कह रहे हैं उत्साह। उत्साह माने क्या? उसके लिए तर्क बन गया है। किसी में यदि उत्साह नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसमें तर्क अभी नहीं बना है। उसको डांटने से तर्क नहीं बनेगा। लोग मारते हैं, डांटते हैं, तो उसके पहले महत्व तो समझ में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो तर्क बनेगा। तो ये उत्साह, उत्थान के लिए साहस। विश्लेषण पूरी तरह विचार ही है, या विश्लेषण को ही विचार कह रहे हैं? तो तुलन प्लस विश्लेषण विचार है, तो विश्लेषण कहां कम है विचार से? नहीं, विश्लेषण तो विचार ही है। देखिए, विश्लेषण किस आधार पर होगा? हो सकता है केवल प्रिय हो, प्रिय के आधार पर विश्लेषण होगा। जैसे मैं किसी चीज को प्रिय मान रहा हूं, उस प्रिय को कैसे पा जाऊं? मेरा पूरा दिन भर उसी में लगा रहता है। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती, तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। जहां नहीं मिलेगा उधर मैं जाने का ही नहीं सोचता, मुझे नहीं जाना है, मैंने तय कर लिया कि वहां मिलेगा नहीं मिठाई। हित, कहां मेरा हित होगा इसको पहचान लेता हूं, उतने में ही सोचता हूं, उससे अधिक सोचने को ही तैयार नहीं। लाभ, जहां लाभ होगा उस जगह को सोचता हूं, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, केवल लाभ दृष्टि से पूरी चीजें चल रही है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं न्याय मानता हूं। दूसरा आदमी दूसरा मानता है, तीसरा आदमी तीसरा मानता है, और उस न्याय को मैं स्थापित करने के लिए तर्क लगाता हूं। लेकिन वास्तव में जो न्याय है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को सोचना है, अस्तित्व को पहले समझना है, वो सत्य हुआ, अस्तित्व के अनुसार मानवीय व्यवस्था कैसे होगी उसको समझना है, वो व्यवस्था होगी, उस मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय को सोचना है। तो कोई अब ऐसी जगह पर हमको एक जगह चुनना पड़ेगा, ये जगह है जहां पर हमको न्याय को प्रमाणित करना है।
या व्यवस्था को प्रमाणित करना है, उसमें अवसर कितने हैं, सुलभता कितना है, उस जगह को देखना है, और उसके देखने के बाद फिर एक अनुमान करना है कि पहले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो फिर उसके लिए तर्क बनता है, तो उसके लिए तर्क बनाना है, वो तर्क बनेगा फिर, तो हमको जगह चुने बिना नहीं होगा, स्थान चुनना पड़ेगा, कब चुनना पड़ेगा, क्यों, उसके उत्तर में आ जाएगा, और कैसे कब कहां, इन तीनों को जोड़ना, इसका नाम विश्लेषण है। तो विश्लेषण उसके आधार पर है। तो जैसे हमको ऊपर वाली लाइन को देखिए, जागृति जागृति का विकास क्रम में सक्रियता, इसमें क्या सक्रियता होगी, इसमें हमको पहचानने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उत्पादन क्रियाकलाप में लगनशीलता, इसको करना है पहले स्वीकारना पड़ेगा, कौन सा उत्पादन करना है वो तय करना पड़ेगा, फिर कब कहां कैसे वाला अपने आप उसका बनेगा। मानवीय व्यवहार आचरण में निष्ठा, इसको भी ऐसे ही हम जैसे ही करेंगे, यदि हमको स्वधन नहीं करना है मान लीजिए, या सोनारी स्वपुरुष में नहीं जीना है, कोई ऐसा तय कर लिया है, तो फिर मतलब उसने परधन परनारी पर पुरुष को तय किया ही हुआ है, तो उसके लिए उसका विश्लेषण चल ही रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो स्वधन को या सोनारी स्वपुरुष को एक बार तय करना पड़ता है कि ये करूंगा इसको अब बंद करूंगा किसी भी डेट में। जैसे मेरी छोटी सी बच्ची थी, अब मैं अपने बच्ची का उदाहरण दे रहा हूं, ये हर घर का उदाहरण है, मैं देखा हुआ हूं इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, किसी भी कमरे में जाते हैं, घरों में कोई भी सामान को उठा सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करता, एकदम छोटे बच्चों को, और खासकर उनका इंटरेस्ट होता है मेकअप का सामान उठाना, ये लगाना वो लगाना, लिपस्टिक लगाना और आईने में देखना, छोटे बच्चों का सबका एक कॉमन है। तो मेरी बेटी जब छोटी थी तो सब चाची वाची जो भी ताई जी लोग हैं उनके यहाँ चली जाती थी, वहाँ करती थी। तो एक बार उसने दीदी का भी सामान उठाती थी, जो भी बड़े हैं सबका, तो एक बार किसी का सामान उठाई तो बड़ी जो दीदी है उसने बोला कि नहीं इसको नहीं उठाओ, वो मेरा है। वो बेटी ने छोटी वाली ने बोला मेरा है, तो उसने कहा मेरा है तुम्हारा नहीं है, तो झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो फैसला कैसे होगा किसका है वो, तो इनकी मम्मी के पास गया, तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा ये दीदी का है, झगड़ा खत्म। उसने मान लिया कि मम्मी जो बोलती है वो सत्य, मम्मी ने बोला दीदी का है माने दीदी का है। तो स्वधन को किसी दिन तय कर लिया कि ये मेरा है ये मेरा नहीं है, किसी एक दिन तय होता है, उसके पहले सब चीज स्वधन है। बाबा जी एक किस्सा बताते हैं कि एक बार पुजारियों के यहां किसी की मृत्यु हो गई, तो वो सब जुड़े परिवार हैं, तो फिर अब वो पूजा नहीं करेंगे, है ना, अशौच हो जाता है तो पूजा नहीं करते कुछ दिन तक। तो वो जो है बाबा जी को बोले आप कर देना, कहिए। तो बड़े वाले जो भैया हैं मार्कंडे भैया, वो छोटे थे, बोले वो भी गए साथ में, जाते ही हैं पिताजी के साथ बच्चे घूमते हैं, तो लोग कुछ पैसा चढ़ाते हैं। तो भैया ने पूछा कि ये पैसा किसका है। अब वो देखते हैं कि पुजारी के यहाँ जो पैसा चढ़ता है वो पैसा पुजारी अपने घर में लेके जाता है, बाबा जी लेके नहीं गए। तो उन्होंने पूछा ये पैसा किसका है, तो बाबा जी ने कहा कि ये जो पैसा है ये पुजारियों का है, हमारा नहीं। ये जो चीजें देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चा पूछता है कौन सा स्वधन है कौन सा है, हम वहां कोई ना कोई गलत मैसेज दे देते और वो फिर कन्वे होता है। हमको बड़े आराम से बताना पड़ता है कि नहीं ये हमारा है ये उनका है। तो किसी न किसी दिन स्वधन को तय करना पड़ता है, वैसे ही सोनारी स्वपुरुष को एक दिन तय करना पड़ता है कि ये नहीं है मेरा या मेरी, या वैसे ही ये मेरा है या मेरी है, वो एक दिन तय करना पड़ता है, नहीं तो वो तय ही नहीं, वो खुला रहेगा, है ना। तो ये एक दिन कभी ना कभी तय होगा, उसके बाद फिर वो निर्णय होगा। तो ये ज्यादातर व्यवहार विधि से होता है, अभी भी शिक्षा में कहीं भी तय नहीं है, कहीं नहीं स्कूल बच्चे को पढ़ाया जाता है उसके पहले तय कर लेते हैं। वही हमने सर्वे किया था विद्यालय के टीचर्स के साथ कि सारे बच्चे ये सब पढ़ाए जाने के पहले स्वीकार लेते हैं कि ये स्वधन है, सोनारी स्वपुरुष के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, इसलिए सारे प्रॉब्लम उस आयु में शुरू होते हैं।
तो उसको कैसे दिया जाए, हम टीचरों से बात शुरू किए हैं, हमने टीचरों के साथ ये सब चर्चा शुरू किया है कि इस आयु से अब ये सब शुरू होता है। हमारा स्कूल में आठवीं था सबसे बड़ा या सातवीं था, फिर अगले साल आठवीं बना, तो वहाँ से वो शुरू होगा। तो हमने चर्चा शुरू कर दिया कि अब ये सब आएंगे प्रॉब्लम, अभी तक तो नहीं आए, अब ये सब प्रॉब्लम आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखो। कौन ध्यान रखेगा? ये बोला कि कॉरिडोर में सबसे अधिक ये घटनाएं होती है, और कॉरिडोर में सबसे अधिक रहते हैं जो दूसरे स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो रहता है, उनको ज्यादा पता रहता है, टीचर को कम पता रहता है, उनको इस जगह पर अपने समान मानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें हम की हैं। तो फाइनली हम ये सोच रहे हैं कि सोनारी स्वपुरुष वाला किसी एक दिन बच्चे को समझाना है। वो दिन यदि हम समझा नहीं पाते हैं तो वो खुला ही रह जाता है और वो कभी भी बंद नहीं होता है, और एक दिन वो उसको अपना अधिकार मान लेता है कि ये मेरा है, हर चीज हमारा है। तो ये जो है किसी दिन तय करना पड़ेगा कि ये जो है सोनारी स्वपुरुष उनका है, यहां पर हमको नहीं सोचना है, यहां पर हम सोचना गलत है, हमको इसका सम्मान करना है। तो सोनारी स्वपुरुष को समझना और सम्मान करना ये एक दिन बनता है। तो ये फिर तर्क बनेगा। तो जो भी चीज है जो ऊपर लिखा है मानवतापूर्ण आचरण, यहां पूरा ओवरलैपिंग है ना, ये बहुत जगह आ जाएगा। तो उसके लिए तर्क बनेगा, ये वृत्ति में ये काम होगा। परधन जीवी और चौर में क्या अंतर है? परधन जीवी और चौर में अंतर? और चोर, चोर एक प्रकार का परधन है, डकैती दूसरे प्रकार का परधन है ना, झूठ बोल के पैसा ठग लेना ये तीसरे प्रकार का परधन, ऐसे कई प्रकार के कानून बना के लूटना एक प्रकार का परधन है, इसको अब आजकल वैध बनाया गया है, अब कानून बना दिया है आप ऐसे करके करो वो वैध है वो परधन, लेकिन हमने कानून बना लिया है, कानून है माने वैध हो गया। तो सबसे बड़े जो अपराध हो रहे हैं, जैसे आप हथियार बना के बेच सकते हो, आप मादक द्रव्य बना के बेच सकते हो, ये कानून तो बनाया है, हम कानून बनाए हैं ना, जबकि ये तो हथियार बनाना तो आदमी के मारने के लिए ही प्रयोग होगा ना भाई, और इनमें लोगों को ज्यादा पैसा दिया जाता है। मार्केटिंग, हमको 5 का माल 50 में बेचना ये वैध है, उसके लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है एक आदमी को, एक 5 का 6 में बेचता है, एक बोलेगा मैं 100 में बेच दूंगा तो उसको रखेंगे, उसको ज्यादा पैसा देंगे। तो जो चीजें काम की नहीं है, काम का बताने वाले को ज्यादा पैसा दिया जाता है, ये मार्केटिंग होती है। ये कानून बना के हम शोषण कर रहे हैं, कानून बना के भी परधन है, चोरी भी परधन है, डकैती भी, ऐसे अलग अलग प्रकार के परधन है। तो कानून बनाने वाले पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में युद्ध के फैक्ट्री लग रहे हैं, युद्ध का इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है, बड़े बड़े डेलीगेशन हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, घंटों महीनों सालों चर्चा होती है, रेट फाइनल होता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि हमने इतने बड़े बड़े तोप खरीद लिए हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं, पूरे देश को बताते हैं कि अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? उसके लिए पहले पड़ोसी देशों को गाली देना पड़ता है, भयंकर खतरा है ये बताना पड़ता है ना, वैसा रिपोर्ट बनता है ना, जो जासूसी संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट देती है कि देश को खतरा है, यहां यहां से खतरा है, उसके लिए ये सब, हमको हथियार कम है हमारे पास, उनके पास ज्यादा है, ये सब पहले बनता है कुछ सालों तक, उसके बाद फिर उसको पूरा करने के लिए आपातकालीन बैठक होती है और फाइनल होता है। एक और मुद्दा रहता है, जब इलेक्शन होने होते हैं तब ऐसी चीजें गतिविधियां ज्यादा बढ़ाई जाती है, जन समर्थन भी हासिल करना एक कार्यक्रम। भैया तो कुछ भी तर्कपूर्वक हम समझ रहे हैं उसको उत्साह देंगे। हाँ, यदि हम अध्ययन विधि में क्या सोचेंगे, अनुभवगामी विधि में क्या सोचेंगे, तो इसमें एक व्यक्ति जो जागृत है वो बोलता है ये करना चाहिए, या वो बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए उसके लिए मैं तर्क बनाऊं, कब करूं इसके लिए तर्क बनाऊं, तो ये अनुकरण अनुसरण विधि है प्रधान रूप से। ये करना उचित बात है, उन्होंने बोल दिया मैंने मान लिया,
अब कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं, ये मैं तर्क बनाने लगता हूं, बाद में समझ में आ जाएगा, ये भी मान लेता हूं, कुछ आ भी जाता है, कुछ बाद में समझ में आएगा, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो अनुभव मूलक जो विधि है वो प्रमाण अनुभव के बाद की विधि है, लेकिन अध्ययन विधि में, जिसको हम अध्ययन विधि कह रहे हैं, उसमें अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन तीनों प्रधान रूप से मिला हुआ है। एकदम छोटे बच्चे में आज्ञा पालन प्रधान है। सब्जी काटती है माँ, बच्चे को बोलती बेटा चाकू ला दे, बेटा प्लेट ला दे, अब वो उसमें भागीदारी कर रहा है, तो भागीदारी तो हो ही रही ना उसकी, छिल दे, पानी से धो दे, पानी लिया, वो कर रहा है डायरेक्ट। तो इस प्रकार से वो आज्ञा पालन विधि से भागीदारी किया, फिर अनुसरण विधि से किया, फिर अनुकरण विधि से किया, इस ढंग से उसका भागीदारी होने लगता है। नहीं, अच्छा ये परिभाषा में नहीं, नहीं उसका उदय की और परावर्तन क्रिया, उसको उदय करने के लिए परावर्तन होगा। जैसे व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज उदय, ये उदय के लिए फिर जो परावर्तन क्रिया नीचे आ जाएगा, ये प्रत्यावर्तन क्रिया है। ये है तो प्रत्यावर्तन क्रिया, लेकिन ये नीचे से आएगा, नीचे तक जाएगा उसके लिए, उस अवसर्त में। ये पूरे से तर्क तो पहले बनेगा, अध्ययनगामी से तो तर्क पहले बनेगा नहीं, सबसे पहले आएगा जैसे मेरे पिताजी कर रहे हैं, या मेरे गुरुजी कर रहे हैं, या मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, मैं करूं। एकदम स्टार्ट देखिए, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तब क्या आता है, तब तर्क नहीं है, तब सीधा आज्ञा पालन और अनुसरण है ना। हम उसके पहले ही उल्टा तर्क उसमें डाल दिए, हमने जो अभी जो मॉडर्न परंपरा है वो उसका उल्टा तर्क डालता है कि तुमको नहीं करना है। आप देखिए ना, आप घर में कोई भी काम करिए, छोटे बच्चों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, 10 में 9 छोटे बच्चे हैं जो अनुकरण करने लगेंगे। ये एकदम हमारे यहाँ के छोटे बच्चे किचन में काम करना चाह रहे हैं, है ना। पिछले साल हम लोग सारा काम किए तो वो लोग भी पूरा काम किए। तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है आज्ञा पालन की, अनुसरण अनुकरण की। हमने ऐसे तर्क बनाए हैं भौतिकवाद में कि वो बंद हो जाए, उसको पहले घटिया बोला, आज्ञा पालन करने वाले को गुलाम बोला, अंधभक्त बोला, ये सब बोला, अनुकरण अनुसरण करने वाले को अंधभक्त बोला। वो सोच नहीं पा रहा है, बोले उसका विश्लेषण क्षमता कम है, ऐसा करके उसको क्रिटिसाइज किया। जबकि स्वाभाविक देखिए ना, एक छोटे बच्चे को आप देखिए, यदि वो वैसा नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। भोजन बताया, गाय का बच्चा भोजन को पहचान लेता है, जंगल में छोड़ दीजिए खा लेगा, आदमी का बच्चा मर जाएगा, नहीं पहचान सकता। तो मानव को वो करना ही पड़ेगा, मानव संस्कार अनुषंगी है, संस्कार विधि से दूसरे से समझ के पूछ के भोजन को पहचानेगा। गाय वंशानुषंगी विधि से भोजन को पहचानेगी, कुछ नहीं बोलना है, गाय के बच्चे को पानी में डाल दीजिए जो पैदा हुआ है, देखिए वो तैरेगा, आदमी का बच्चा मर जाएगा। तो आज मनुष्य का पूरा चीज किसी को मान के करना है, और भौतिकवाद इसको बोलता है कि ये गलत है। व्यवस्था की कामना भी यहीं से है, हाँ यहीं से है। कामना भी यही है जो आप बता रहे हो, हाँ। यहीं से कामना है। पर भैया कुछ चीज की बात तो बच्चे कहते हैं मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा, वो स्वाभाविक है या वो शिक्षा है? शरीर उसके ऊपर हावी हुआ। भाई आप देखिए ना, 3 साल 4 साल के बच्चे पर कौन सा मन हावी है, 15-18 साल के बच्चे पर कौन सा मन हावी है, अब देखिए। शरीर का कोई चीज और बढ़ जाता है तो उसका वो चीज मन पे हावी हो जाता है। तो ये स्वाभाविक ही है।
होना स्वाभाविक है। यदि शरीर का जैसे कोई जैसा विकास के साथ वो प्रवृत्तियां नहीं आएगी, मतलब कहेंगे शरीर में रोग है, लेकिन वो चीज व्यवस्था के लिए होना चाहिए, संज्ञानशीलता से नियंत्रित होना चाहिए, उसके लिए लगातार हर मोड़ पर शिक्षा चाहिए और प्रमाण चाहिए, माने उससे बड़ा और आगे बढ़ा हुआ आदमी खड़ा होकर जिएगा, वो हर मोड़ पे चाहिए, जहां पर उसको हर बार लगेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूं वो कर रहा है, तो वो भी उल्टा भी करेगा, जो कर रहा है उसको गलत बोलेगा, ये सही है वो भी बोलेगा, एक समय में जब नहीं वो क्या करेगा, ये भी बोलेगा कि सब नहीं कर सकते मैं कर सकता हूं। बाबा जी से किसी ने बोला कि बाबा जी जैसा आप कर रहे हो वैसा कितने लोग कर रहे हैं, है ना, लोगों ने पूछा, बहुत बार पूछा, बाबा जी ने बोला कि तुम्हारे जैसे कितने लोग कर रहे हैं ये बताओ, मतलब मैं सही हूं तुम गलत हो, ये मान के एक आदमी पूछता है, तो बाबा जी ने पूछा तुम्हारे जैसे कितने लोग कर रहे हैं, तो लोगों को तुम्हारे जैसा बनना था, कितने बनना चाहे बताओ, उसका भी उत्तर नहीं है उसके पास, मतलब बातचीत कैसे होती है, ऐसी होती है। बाबा जी तो हमेशा चढ़ के बात करते थे। तो ये जो चीज है स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन अनुकरण अनुसरण एक बच्चे में रहता है, उसके लिए वातावरण चाहिए, कर रहे हैं लोग ऐसे चाहिए, और उसके साथ तर्क भी चाहिए, ऐसा क्यों करना है बोले, क्योंकि जब भी वो नहीं करेगा तर्क दिया जाएगा, ये ठीक है ये ठीक नहीं, हमेशा यही तर्क दिया जाएगा, तो प्रमाण के साथ तर्क रहेगा। हमारी परंपरा में प्रमाण तो रहा, कई चीजों का तर्क नहीं रहा, जैसे खाना खाने के बाद नहीं नहाते, एक सामान्य नियम है। तो जब मैं थोड़ा जब कॉलेज पहुंच गया तो हमको खाने के समय में खाना ही पड़ता था, और खाने के बाद सामान्य रूप से गर्मी लगती तो नहा लेता था, तो मुझे बार बार बोलते थे, मैं बार बार पूछता था कि खाने के बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए। मुझे बहुत बाद में उसके बाद मुझे एसिडिटी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कारण क्या, खाने के बाद गर्मी आती है हम पानी डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं, उससे प्रभाव पड़ा पाचन पर और पाचन रुक गया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी, गैस बनने लगी, बहुत तकलीफ हुई। वो जब आयुर्वेद को समझने की कोशिश किया तब पता चला कि उसका जो कारण है वो वहां से है कि मैं खाने के बाद नहाता था रोज। तो बहुत छोटी छोटी खाने के बाद देखिए शरीर का तापमान अलग हो जाता है, पसीना आता है ना, शरीर थोड़ा शांत हो जाता है, हम उसको एकदम ठंडा कर दे रहे हैं, वो प्रक्रिया कुछ ज्यादा लंबा कर दिया, उससे शरीर पर स्थायी रोग हुआ। तो तरीका तो सही है कई चीजों का, लेकिन वो क्यों सही है उनके पास तर्क नहीं है, बस हमारे माँ बाप ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक उत्तर है वो, पर उससे और बड़ा उत्तर चाहिए, है ना, तार्किक उत्तर भी चाहिए कि भाई ये है। ज्यादातर चीजों में बिना तर्क का ही उत्तर होता है, इसलिए फिर मानने का भी मन नहीं करता। हाँ, तो इसीलिए हमको वो जानकारी भी अब चाहिए, उसके साथ तर्क भी चाहिए, तो तर्क के साथ बताएंगे, तो प्रमाण और तर्क दोनों चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो भैया तुलन में आपका जैसे स्टोर है कि अच्छा ये चीजें मेरे लिए प्रिय हैं या ये हित हैं, या वो चित्रण में है स्टोर, ये चीज मेरे लिए प्रिय है या हित है, ये चित्रण में स्टोर है, तो तुलन में अब इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो तुलन में हो रहा है, हो रहा है। तो न्याय की मेरी कुछ समझ हुई, पर मैंने आज तक एक्ट नहीं किया न्यायपूर्वक, तो उसका भी कुछ पुट आया इस क्यूमुलेटिव में, जो कि तुलन में फाइनल निष्कर्ष निकला प्रिय हित लाभ और जो न्याय जितना समझ आया उसके। कोई न्याय धर्म सत्य को भ्रमित आदमी प्रिय हित लाभ के किसी कॉम्बिनेशन को लाभ कह रहा है, न्याय कह रहा है, किसी कॉम्बिनेशन को धर्म कह रहा है, किसी कॉम्बिनेशन को सत्य कह रहा है, यह है भ्रमित आदमी का। यहां पर क्या किया गया, न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रेहित लाभ के ये 18 वैरायटी बनाए हैं, जैसे तत्परता उसमें से एक, ये न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रेहित लाभ कैसा हो सकता है, ये 18 है, ये जो स्थिति के पूरे 18 वही है, और उसके आधार पर फिर विश्लेषण होगा।
यह विचार होगा, है ना। ये 18 क्या है? संज्ञानशीलता से नियंत्रित संज्ञान संवेदनशीलता या न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रेहित लाभ को यहां पर बता रहे हैं। तो भैया अभी ये कि ये कृतज्ञता आचरण होना, हाँ, ये बेसिकली मेरे प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य की स्थिति से ये घटित हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि तुलन में भी क्या एनालिसिस नहीं हो रहा, मतलब एनालिसिस तो इन सब के बीच में मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य के बीच में मैं अब क्या करना चाहता हूं, वो एक विश्लेषण हुआ, फिर अब इसको कब कैसे कहां करना है। नहीं, प्रिहित लाभ न्याय धर्म सत्य का एक कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया। जैसे देखिए, भ्रमित व्यक्ति में जो कंट्रोल करने की जगह है वो प्रिहित लाभ ही है। प्रिहित लाभ एक अपने आप में न्याय धर्म सत्य को बना लेता है, प्रिहित लाभ के आधार पर न्याय धर्म सत्य को डिफाइन करता है, अलग कॉम्बिनेशन को, उसके आधार पर चित्रण होता है, विश्लेषण होता है। है तो चित्रण बड़ी क्रिया, चित्रण के आधार पर यह होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है भ्रमित व्यक्ति में, प्रिय चूंकि उसके बल है, चित्त का बल नहीं है उसके पास, वृत्ति का जो बल है वो प्रिहित लाभ न्याय धर्म सत्य में से कुछ होगा। तो प्रिहित लाभ का बल उसके पास है, स्थिति है, चित्त की स्थिति नहीं है भ्रमित व्यक्ति में। तो अब जो बल वाला जगह कहां आया, ये बल वाला जगह हो गया वृत्ति। तो वृत्ति में भी प्रिहित लाभ वो जानता है, तो वृत्ति का जो प्रिहित लाभ है उसके कॉम्बिनेशन में न्याय धर्म सत्य को बनाया, उसके आधार पर चित्रण पूरा कर रहा है, उसके आधार पर विश्लेषण कर रहा है कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, और इसको रिकॉर्ड करके रखते जा रहा है। इस विश्लेषण को भी रिकॉर्ड करके चित्रण करके रखता है, हर समय नहीं सोचता, वो एक बार सोच के बैठा के रख लेता है, हर समय उसको और मॉडिफाइड करता रहता है। जब भी मौका मिल रहा है वो सोच सोच के चित्रण बना बना के रखता जा रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और समय के साथ उसको और रिफाइन करता जा रहा है। तो क्या पर यहां पर है बल, कहां पर है भ्रमित व्यक्ति का जो बल क्या है, प्रिहित लाभ ही बल है, स्थिति वही है, वो अभी चित्त में स्थिति है ही नहीं, तो वृत्ति की स्थिति से वो काम कर रहा है। तो वृत्ति के स्थिति के हिसाब से चित्रण भी हो रहा है, विश्लेषण भी हो रहा है, और चयन भी हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, और इसको वो सुन नहीं रहा है। कोई बड़ा कोई कभी इंपैक्ट आता है तब उसका न्याय धर्म सत्य वाले स्थिति साक्षात्कार होने से वो जग जाता है, या किसी को श्रेष्ठ मानने से अनुकरण अनुसरण वाली प्रकृति जागृत रहती है और उसको वो बनाते रहता है, सुधारते रहता है। उसमें अंतर्विरोध बहुत होता है, अनुकरण अनुसरण में प्रॉब्लम क्या है, अंतर्विरोध होता है, नहीं ये मेरे को नहीं करना है क्योंकि मेरी जो इंद्रियां हैं उसका विरोध कर रही है। तो अंतर्विरोध जैसा दिखता है उस समय गुरु मूल्य को, श्रेष्ठ को हमेशा ऊपर रख के उसको दबाना पड़ता है। तो यदि जो मध्यस्थ दर्शन इसके लिए तर्क भी दे दिया है तो आभास मध्यस्थ दर्शन करा सकता है बहुत आराम से। आदर्शवादी में आभास की संभावना कम है इससे, ये जो मध्यस्थ दर्शन में आभास की संभावना तो बहुत अधिक है। इतना ज्यादा तर्क है, ये 5-6 जो बिंदु ले लिए कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, मनुष्य में अमरत्व की कामना विद्यमान है, व्यवस्था ही सुख है ना, अकेला का सुख नहीं बोला, व्यवस्था ही सुख, ऐसे कुछ मूल मान्यता को ले लिया गया और कुछ इंद्रियों को भी लिया गया। आदर्शवाद इंद्रियों को नकार दिया, इसलिए आदर्शवाद के लेके कोई तर्क ही नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने इंद्रियों को भी स्वीकार लिया और जो मूल जो मान्यता है मानव की, जो जैसे मनुष्य सुखी होना चाहता है, उनको भी स्वीकार लिया। इन कॉम्बिनेशन में जो तर्क बना इसमें आभास की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इन शिविरों में होता क्या है, लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक, बाकी जगह लगता नहीं है। तो आभास हम करा पा सकते हैं, मध्यस्थ दर्शन जो पढ़ लिया है वो आभास करा सकता है और प्रतीति भी हो सकती है। अभी आदर्शवाद में प्रॉब्लम क्या, आभास नहीं हो रहा है, यदि कोई उतना जागृत है तो उसको फॉलो कर ले रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है ना। तो आदर्शवाद में जो अच्छे संस्कार वाले हैं वो तो उसको स्वीकार ले रहे हैं और कर ले रहे हैं, जो कमजोर है वो नहीं कर पा रहे।
है ना, और कोई दूसरा बोल रहा है तुम गलत कर रहे हो, वो उसको छोड़ता है सही को, फिर कूद पड़ता है अपनी बदमाशी शुरू कर देता है। तो मध्यस्थ दर्शन में भास तो सबको हो रहा है, आभास के लिए इसमें बहुत मटेरियल है, इसीलिए बाबा जी इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि पहले इसको समझो, फिर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि उनको पता है वो जो चीज है, मैं सुखी होना चाहता हूं वो हर चीज पर हावी हो जाएगा, मैं अमर होना चाहता हूं वो हर चीज पर हावी हो जाएगा, उसको केवल थोड़ा सा शह चाहिए, थोड़ा सा उसको लाइट चाहिए, बस वो खड़ा हो जाएगा, अब वो फिर किसी की नहीं सुनेगा, है ना। इसी दावे से कह रहे हैं कि एक बार पढ़ो समझो होगा, तो वो आभास बहुत आसान मध्यस्थ दर्शन में है। फिर प्रतीति के लिए तो फिर जीना पड़ता है, नहीं तो प्रतीति नहीं होती है, बिना जिए प्रतीति नहीं होगी, या प्रतीति होगी तभी वो जिएगा। तो जीने की इच्छा बनना, तो यदि पहले से ही हम अभ्यास करते रहते हैं तो छोटे बच्चे में इसके पहले कि ये सब तर्क उठे वो यदि जीना शुरू कर देता है तो कुछ वो पा जाता है जी के, और ये आभास है, इन दोनों के योगफल में साक्षात्कार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। केवल पढ़ेगा, केवल सोचेगा और जिएगा नहीं तो उसमें तकलीफ ज्यादा है, फिर वो संस्कार वाला आदमी के लिए ही सफल है। अभ्यास यदि करेगा तो अभ्यास से जो तृप्ति मिलती है वो और लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा।